सब्सक्राइब करिए मल्टीपल ऑनलाइन चैनल को मोबाइल इंटरनेट ऑनलाइन टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए और दबाइए बेल आइकन को। एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ ओप्पो मोबाइल की, ओप्पो रेनियो 2 की। ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है और इसका आप प्राइस देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए ये प्राइस लिखा हुआ है 17,990 रुपये का ये मुझे पड़ा है और कुछ इस तरह से ये बॉक्स है। तो चलिए देखते हैं इसको खोल के कि इसके अंदर हमें क्या क्या एक्सेसरीज मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। देखिए ये फ्लिपकार्ट का बॉक्स है और इसके अंदर ये छोटा बॉक्स दिया है और ये जो है ये फ़ोन का बिल है, आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर फ़ोन का बिल दिया गया हुआ है और कुछ इस तरह से इसकी पैकिंग है। और ये देखिए इतना बड़ा डिब्बा दिया गया है, ये फ़ोन का है। अब हम इसको खोल लेते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या एक्सेसरीज मिलती है। तो बस आप बने रहिए वीडियो के साथ। पैकिंग तो इसकी बहुत ही ज़बरदस्त है। बस मैं इसको जल्दी से ओपन कर लेता हूं और आप लोगों को दिखा देता हूं। ये बहुत ही अच्छे से पैक किया गया है। इसमें देखिए ये प्लास्टिक लगाया हुआ था और अब हम देख लेते हैं। ओप दीदी, अब देखिए मैं यहां से इसको खोल लेता हूं कुछ इस तरीके से। देखिए ये ऊपर में इसके अंदर कुछ इसके वारंटी कार्ड वगैरह दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। और ये देखिए ये है हमारा मोबाइल फ़ोन जो अभी तो पन्नी में पैक है। इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ और आपका ये आपको ये लुक दिखा देता हूँ इसका। देखिए बहुत ही प्यारा लुक है और बहुत ही अच्छा देखने में लग रहा है। बाकी मैं इसको बूट करके देखता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या फंक्शन है। इसमें पीछे क्या और देख सकते हैं, ये हेडफोन का जैक दिया गया है और यहाँ पर चार्जिंग केबल के लिए पिन दिया गया है और ये स्पीकर का है और ये माइक है। और इसके राइट साइड में यहाँ पर देख सकते हैं ये लॉक का बटन है और फ़ोन का, और ये सिम कार्ड का स्लॉट दिया गया है यहाँ पर। और इस साइड से आप देख सकते हैं इसमें ये वॉल्यूम बटन है और यहाँ पर ये एक आगे से इसमें कैमरा निकलता है सेल्फी कैमरा, तो यहाँ पर ये सेल्फी कैमरा के लिए है। और यहाँ पर एक माइक और दिया गया है। और मैं इसको अब यहाँ पर पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 4 कैमरे हैं और एक फ्लैश लाइट दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। और मैं इसको अब जल्दी से बूट कर लेता हूं और आपको दिखाता हूं कि और इसके अंदर और क्या क्या फैसिलिटी है। और अब इसके डिब्बे में मैं देख लेता हूं कि क्या क्या एक्सेसरीज है इसकी, तो मैं आपको दिखा देता हूं। आप देख सकते हैं ये हमें चार्जिंग का केबल दिया है और उसके बाद मैं और देख लेता हूँ। ये हमारे पास इसके साथ ये एक बहुत अच्छी बात है कि इसने फ़ोन का कवर भी दिया है कुछ इस तरीके से, और बहुत ही हार्ड प्लास्टिक है और पीछे से बहुत ही सॉफ्ट है, तो कुछ आप इस तरह से देख सकते हैं। और ये इसका चार्जर है, काफ़ी हैवी चार्जर है और हमें लग रहा है कि ये बहुत ही फास्ट चार्ज करेगा, तो वो मैं इसको यूज करने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या कैसे इसकी परफॉर्मेंस है। और यहाँ पर हमें एक चीज़ और दिया गया है, यहाँ पर देखिए इस फ़ोन के साथ हमारा हेडफोन भी आया हुआ है, तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से हेडफोन है और हेडफोन कुछ एप्पल की तरह लगता है, आप देख सकते हैं ये जो है कुछ एप्पल की तरह इसका डिज़ाइन किया गया है, आप देख सकते हैं। फ़िलहाल तो डिब्बे में और कुछ भी नहीं है, यही मिला हमें। और यहाँ पर एक सिम कार्ड लगाने का स्लॉट दिया गया है। तो चलिए अब देखता हूँ मैं फ़ोन को बूट करके और इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटी है।
मैं बूट कर चुका हूँ इसको। अब मैं इसको आपको ऑन करके दिखाता हूँ। देखिए इसमें कुछ इस तरीके से फंक्शन है सारे, और मैं इसको आपको सारे फंक्शन निकाल के दिखा देता हूँ आपको। देखिए इसमें ये सारा फंक्शन दिया गया है, और इसमें सबसे पहले मैं इसका कैमरा चेक करके मैं आपको फ़ोटोज़ दिखा देता हूँ कि इसका क्या परफॉर्मेंस है। चलिए मैं कैमरा खोल लेता हूँ, ये इसको कुछ परमिशन देते हैं। सबसे पहले जो इसका फ्रंट कैमरा है मैं पहले उसको ऑन करके देखता हूँ। तो ये पीछे का इसका कैमरा है, और मैं इसका देखिए कुछ इस तरीके से फ्रंट कैमरा ऑन करते ही इसका आगे का कैमरा निकल के आ जाता है, और जैसे आप यहाँ से इसको बैक करोगे तो कैमरा ऑटोमेटिकली अंदर चला जाएगा। देखिए कैमरा अंदर चला गया ऑटोमेटिकली, और यहाँ से जैसे हमने कैमरा, देखिए यहाँ पर मैं कैमरा चालू करता हूँ, देखिए फ्रंट कैमरा है तो अपने आप वो आगे का कैमरा निकल के आ गया, और जैसे मैं इसको यहाँ से बैक करूँगा तो ये कैमरा अपने आप अंदर चला जाएगा। तो मैं इसका कुछ फ़ोटो क्लिक करके उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका फ़ोटो कैसा है और कौन कैसी क्लैरिटी आती है। सबसे पहले मैं आप लोगों को कैमरे की क्वालिटी दिखा देता हूँ। चलिए मैं कुछ फ़ोटो इस फ़ोन से क्लिक करी है वो मैं फ़ोटो आपको दिखा देता हूँ कि कैसी क्लैरिटी आ रही है। चलिए मैं यहाँ से मैं अपना फ़ोटो खोला, और यहाँ पर देखिए मैंने कुछ प्लांट्स की फ़ोटो खींची हुई है, ये आप देख सकते हैं। इसको मैं जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी क्लियर आ रहा है हर चीज़। देखिए मैंने बहुत ही अच्छे से जूम किया, उसको पूरा जूम किया हुआ है, फिर भी फ़ोटो फट नहीं रहा है। क्लैरिटी काफ़ी अच्छी है कैमरे की। तो देखिए मैंने और भी कुछ फ़ोटो लिया हुआ है, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। इसको राउंड करके मैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये फुल व्यू है, हमने पीछे गार्डन का लिया हुआ है, अब देख सकते हैं। यहाँ से आप छोटा छोटा चीज़ चाहे तो आप जूम करके यहाँ से देख सकते हैं। देखिए सारा कुछ कितने अच्छे से दिख रहा है। कैमरे की बात करें तो कैमरे की क्वालिटी इसकी बहुत ही अच्छी है। अगर आप इस बजट में फ़ोन लेते हैं तो कैमरे की क्वालिटी तो मिलेगी। देखिए मैंने कुछ और फ़ोटो खींचे हुए हैं, ये भी दिखा देता हूँ मैं आपको। और मैंने यहाँ काफ़ी हद तक जूम किया हुआ है इसको, फिर भी इसकी क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छी आ रही है। तो कैमरे में तो मैं इस फ़ोन को 10 में 10% दूंगा। चलिए मैं कुछ और फ़ोटो दिखा देता हूँ आपको। और एक चीज़ और है इस फ़ोन के अंदर, जैसे आप कोई फ़ोटो क्लिक करेंगे तो जैसे आप मान लीजिए मैं कोई प्लांट का फ़ोटो खींच रहा हूँ, ग्रीन प्लांट का, तो वो वहाँ पर नाम लिखा हुआ आता है उसका कि मतलब आप जो है कि ग्रीन प्लांट का फ़ोटो खींच रहे हैं। जैसे अगर मैं अपना खुद का खींचूँ तो वहाँ पर पर्सन आता है कि ये कोई आदमी का। देखिए ये मैंने कुछ अपना फ़ोटो सेल्फी कैमरे से खींचा हुआ है, देखिए कितना क्लियर है। और इसमें एक चीज़ और है, आप देख सकते हैं कि जो हमारे चेहरे के ऊपर जो भी दाने होंगे, जो भी दाग धब्बे होंगे, वो भी क्लियर हट जाता है। तो वो तो खैर सारे फ़ोन में होता है कैमरे की सेटिंग से, पर इसमें इसके अंदर ही दिया गया है। तो यहाँ मैंने कुछ फ़ोटो खींचा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये देखिए सारा फ़ोटो हमने ये सेल्फी कैमरे से खींचा हुआ है। कैमरे के मामले में तो ये फ़ोन नंबर वन है। बाकी और मैं देख लेता हूँ इसके सेटिंग में इसमें क्या क्या दिया गया है। चलिए मैं आप लोग को सेटिंग में ले चलता हूँ। यहाँ से मैं सेटिंग में आ गया, और सबसे पहले मैं इसके अबाउट में चले जाता हूँ कि इसके में क्या क्या मिल रहा है। तो यहाँ पर फ़ोन का नाम है, और देखिए यहाँ पर जब मैंने फ़ोन लिया था तो इसमें 7 वर्जन था एंड्रॉयड का। अभी ये अपटर 5 डे के बाद मैं इसका कंप्लीट रिव्यू कर रहा हूँ, और यूज करने के बाद मैं सोचा पहले यूज कर लेता हूँ पूरा, उसके बाद मैं इसकी परफॉर्मेंस आप लोग को बताऊँगा। तो यहाँ पर देखिए एंड्रॉयड 10 वर्जन दिया गया है, 6 GB इसमें रैम है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है 234, देखिए अभी हमारे पास 256 GB टोटल इसमें दिया गया स्टोरेज, और अभी जो हमारा अवेलेबल है 234 GB है। और बाकी 2 SIM कार्ड तो हर कोई फ़ोन में लग रहा है आजकल, और यहाँ पर मॉडल नंबर इसका दिया गया है CPH1989। और यहाँ पर जो इसका फ़ोन का नेम है, जो फ़ोन का वो मॉडल नंबर है OPPO Reno 2, यहाँ पर मैं देख सकता हूँ देखिए। और बाकी परफॉर्मेंस की बात करें तो फ़ोन बहुत ही अच्छा है। बाकी मैं कुछ और सेटिंग देख लेता हूँ आप लोगों को। यहाँ आप ऊपर की तरफ से नीचे करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं बाकी फ़ोन की तरह, पर अगर और भी आपको निकालना है तो यहाँ से स्क्रीन के ऊपर काफ़ी सारे फंक्शन अपने आप डाल रखे हैं। अब यहाँ से और भी आप सेटिंग से एडिट कर सकते हैं, यहाँ
अगर आपको नहीं करना है तो आप रहने दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए वाईफाई का, मोबाइल डाटा, साइलेंट मोड, ब्लूटूथ, फ्लैश लाइट, कैलकुलेटर, स्क्रीन रिकॉर्डिंग। मेन चीज़ यह है कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसमें सबसे अच्छा है और वो भी वॉइस के साथ। अगर मान लीजिए आप कहीं बाहर से स्क्रीन रिकॉर्डिंग कोई ऐप के थ्रू करते हैं तो उसमें उसका लोगो आता है, पर इसमें इसका कोई भी लोगो नहीं आ रहा है। ये हम फ़ोन के अंदर ही सेटिंग है और ये वॉइस के साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता है। तो बस ये सब कुछ ऐसी ख़ास बातें हैं जो मुझे इस फ़ोन में लगी है। बाकी फ़ोन तो बहुत ही अच्छा है, अगर आप इस बजट में लेना चाहते हैं तो आप ये फ़ोन ले सकते हैं। बाकी परफॉर्मेंस मैंने सारा कुछ चेक किया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप यूट्यूब पे कई ऐसे वीडियो हैं जो आपको बताएंगे ये फ़ोन अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं, ढिमकाना नहीं, पर ऐसा कुछ नहीं है। आफ्टर मैंने 5 डेज़ को यूज करके फिर इसका कंप्लीट रिव्यू आप लोगों के लिए लाया हूँ। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।